पूरे दुनिया में इस वक्त मंदी का माहौल है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम पहुँचे हैं एक सब्ज़ी मंडी में और यहाँ पर आपको जो बताएं जो किसानों का हाल है वो बिल्कुल ही दयनीय हो चुका है। मंडी में बहुत ही कम रेट पे जो है सब्ज़ी बिक रही है, दुकानदार जो हैं आपको महंगे रेट पर दे रहे हैं, लेकिन आपको मैं ऐसी वीडियो पहले भी लेकर आया था, अब फिर से वही वीडियो लाया हूँ कि मंडी में क्या हालात हैं, किस तरीके से किसानों की सब्ज़ी जो है वो सस्ती बिक रही है 1-2 रुपये किलो के हिसाब से। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको सारी सब्जियों का रेट पता चल पाएगा और हालात जो है किसान के वो आपको पता चल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं मंडी में वीडियो का, आइए चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं टमाटर हैं यहाँ पर, टमाटर के रेट हैं वो जानते हैं। सबसे पहले सर नमस्कार जी, क्या हाल चाल? नमस्कार, बढ़िया जी, आप सुनाओ। ये टमाटर कितने किलो है इस केस के अंदर? इसके अंदर 25-26 किलो टमाटर है जी। तो सर इस केस की क्या कीमत है? इस टाइम तो 40 रुपया के रेट भी नहीं है जी, 1.5 से 2 रुपये किलो मान के चलो आप टमाटर है। दुकानदार तो सर बहुत रेट लगा रहे हैं। बस दुकानदार क्या करेगा जी, वो भी बेचारा 25-25 किलो 1-2 घंटे के लिए उनकी दुकान खुल रही है जी, वो भी क्या करेगा। 25 किलो में से 5 किलो बिकेगा, 20 किलो बाहर फेंकेगा जी, वो भी क्या करेगा। तो आप देख सकते टमाटर जो है वो भाई पीछे 2 रुपये किलो सारा सौदा 2 रुपये किलो 2 रुपये किलो शिमला भी 2 रुपये किलो, कद्दू भी 2 रुपये किलो, शिमला भी 2 रुपये किलो है जी, कद्दू भी 2 रुपये किलो है जी। अपने कैमरा पर से कहूंगा कि जरा एक बार शिमला मिर्च दिखाएं। शिमला मिर्च ये पैकेट में सर कितना होगा? 20 किलो शिमला है जी, ये 40 का पैकेट है। आज 40 का ले नहीं रहे जी लोग, 40 का मैं दे दूंगा, पड़े जी 100 पन्ने पड़े हैं, देखो आप आगे पड़े हैं पीछे देखो, कैमरा पर्सन उधर जो है ट्रॉली के ऊपर इनके दिखाएं कि बता रहे हैं कि बिक नहीं रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 रुपये किलो बिक नहीं रही जी, तो ये देखिए मंडी के हालात जो हैं, किसान जो हैं परेशान है। अभी किसान से बात हो रही थी, अंकल आप कुछ कह रहे थे 70,000 रुपये आपने क्या किला? भाई एक मिनट थोड़ा सा कम कर दो वॉल्यूम प्लीज। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? बता रहे थे कि आपने खेतों में किस तरीके क्या सब्जी बहुत ज्यादा मंदी है जी, इसलिए ठेके ठुके भी नहीं पूरे हो रहे जी खेतों में। कैसे ठेका लिया था 1 किले का? ये 70,000 प्रति एकड़ का ठेका था जी ये। तो आपको क्या कुछ बचत है उसमें? क्या बचत क्या जी उसमें? तो जो लगाया था वही सब्जी के पैसे नहीं पूरे। टमाटर लगाया था, टमाटर भी गोभी भी जी सब कुछ मंदी हो रही जी, लागत नहीं बचत हो रही जी, लागत भी नहीं पूरी हुई। बचत क्या करेगी जी, अभी तो बीज के पैसे नहीं पूरे। ये किसानों का लाता है। आगे चलते हैं, आपको गोभी का रेट भी बताएंगे, खीरे का रेट भी बताएंगे, तरबूज का रेट भी बताएंगे, सब जो है वो आप लोगों को बताएंगे। ये बच के आना थोड़ा सा। तो ये हमारे साथ खान साहब है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या सब्जी बेच रहे हैं आप? घिया बेच रहे हैं जी, कद्दू बेच रहे हैं। घिया ये पैकेट कितने किलो का है? ये है जी 18-19-20 किलो का है जी। 20 किलो का, तो क्या रेट बिक रहा है ये? इस टाइम ये 60 का, बस 60-70 रुपये का। 60। हाँ जी, 2-3 रुपये किलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, घिया कद्दू एक ही रेट बिक रहा है, खीरा भी यही 2 रुपये किलो के बर्ते में खीरा बिक रहा है जी। तो बाहर जो दुकानों पर रेडियो वाले हो तो बहुत लूट रहे हैं अब वो, तो देखो जी यहाँ से उसका तो हम नहीं कह सकते ना, हमें तो जमींदार को तो ये रेट मिल रहा है जी। तो लागत पूरी हो रही है आपकी? मेहनत लागत नहीं, नहीं लागत नहीं, इंसान मेहनत भी पूरी नहीं, नहीं जी नहीं जी। तो पल्ले से जाएंगे जी? हाँ जी पल्ले से जाएंगे, लागत नहीं पूरी हो रही, नहीं कुछ मेहनत करते हैं, लागत हमारी कहाँ से पूरी होगी। चलिए रास्ता दीजिए और आपको मैं आगे और दिखाता हूँ। फ्रूट्स की बात आती है, ये फ्रूट्स हैं, इसको खरबूजा बोला जाता है, खरबूजे का रेट जो है वो भी जानेंगे भाई साहब। भाई साहब खरबूजे का रेट बता दीजिए, पैकेट जो है खरबूजे का, आप उधर सही है ना? ये खरबूजे का रेट है, इसका क्या रेट चल रहा है? ये 100 रुपये लिफाफा बेच रहे हैं, इतना बुरा रेट चल रहा है। ये 18 किलो के भाई एवरेज में है। 18 तो किलो के क्या पड़ गया? ये किलो पड़ेगा करीब 5-6 रुपये किलो। 5-6 रुपये। हाँ जी, और क्या फल फ्रूट बेच रहे हैं? बस ये तरबूज है, ये भी 4-5 रुपये बिक रहा है, इसमें क्या बनता है? तरबूज अपने कैमरा पर से कहूंगा कि बड़ा तरबूज बताए, उसका क्या रेट है? इसका 4-5 रुपये किलो है बस रेट। हाँ जी, चलिए ये देख सकते हैं किसानों का कितना बुरा हालात जो है वो इस वक्त हो रहे हैं। हम मंडी के अंदर हम पहुंच चुके हैं, आगे बैंगन के पैकेट्स हैं, बड़े बड़े पैकेट्स हैं, जो उनका रेट है वो जानना चाहेंगे। आप तरबूज के आप देख सकते हैं कितने पैकेट भरे पड़े हैं, तरबूज लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं। ध्यान दीजिए इधर आप प्लीज़, खरबूजा जो है वो इस वक्त मंडी में बिक रहा है। हाँ जी, ये भाई कुछ कहना चाहता है किसान? हाँ जी, ये टमाटर है जी, बिक्री बंद होगी जी लॉकडाउन करका। नहीं अभी ये कोई खरीदारी नहीं कर रहा इसकी? कोई नहीं लेंदा जी। तो घरों में तो लगातार जो टमाटर सब्जी तैयार होती है, तो टमाटर एक ऐसा जो है सब्जी है, उसके बिना तो कोई सब्जी तैयार नहीं होती। फिर क्या करें जी, लेते तो नहीं कोई, कहाँ ले जाऊं? अंकल क्या कहना चाहते हैं, अंकल की सुनते हैं। 50 रुपये क्रेड भी नहीं बिक रहा ये, मतलब किलो कितना क्रेड में कितने? 25 किलो, मतलब 2 रुपये किलो भी नहीं टमाटर बिक रहा, और दुकानों पर तो बहुत ज़्यादा बिक रहा है। दुकानों पर वहाँ जी जहाँ ब्लैक है, यहाँ भी माल जा रहा है, मंडियाँ बंद पड़ी हैं, बताओ जिम्मेदार क्या करेगा, हम भी क्या करेंगे।
तो ये 2 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर 2 रुपए की चढ़ाई है जी, वो भी नहीं बिक रहा, 2 रुपए इसको तोड़ने के पड़ते हैं, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो टूट रहे खेत में। तो किसान ये आप चलते हैं खीरे की बारी, जो घरों में आप सलाद लेते हैं उसके पैकेट खीरा जी, ये पैकेट कितने किलो के अंकल जी? ये 22-23 किलो का है जी। और बिक कितने का रहा है? 40 रुपए का। तो क्या रेट पड़ गया किलो के हिसाब से? 1.5 रुपए किलो जी। क्या ये खीरे जो सलाद में आप लोग बड़े चटकारे लगा कर खाते हैं, वो खीरे के हालात आप देख सकते हैं कि किसान को कितनी मंदी झेलनी पड़ रही है इस लॉकडाउन की वजह से, और ऊपर से सरकार जो टैक्स लगा रही है किसानों के बारे में, सरकार जो है बिल्कुल भी नहीं सोच रही। सर क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर आप, अब ये कैसे हालात? इस हिसाब से हम अपना माल लाना बंद कर देंगे, खेतों में ही इसको वो कर देंगे, सब खत्म कर देंगे। ट्रांसपोर्ट भी नहीं पूरा हो रहा होगा ना? ट्रांसपोर्ट पूरा नहीं हो रहा, किराया बहुत है, खेतों से तुड़वाने की लेबर, वो लेबर अलग है। तो ये हालात हैं, सरकार जो है लगातार रेट जो है अपने चीज़ों के रेट जो है सरकार फिक्स कर देती है हर चीज़। उधर सुनिए, 2 रुपए किलो टमाटर। तो आप चलते हैं टमाटर जो है अधिकांश, बैंगन की बात देखिए कितने सुंदर जो हैं बैंगन हैं, भरता के लिए बहुत ही सब मज़ेदार जो है ये बैंगन है, इसका रेट जानेंगे इसका। चलिए एक सेकंड, आपकी है ये कितने किलो का पैकेट है सर? ये 30 किलो का जी। 30 किलो का पैकेट है बैंगन के लिए, भरता जो बनता है स्पेशली इसी बैंगन का बनता है, तो 30 किलो का ये पैकेट है, इसका रेट क्या है? ये 5 रुपए किलो बिक रहा है भाई। 150 रुपए का पैकेट, 150 का, हाँ 5 रुपए किलो है, 8 रुपए किलो की तो लागत है इस पर भाई जी। तो 3 रुपए खुद आके, ट्रांसपोर्ट भी है, तुड़वाई भी है, लेबर भी है, दवाइयाँ भी डाली होंगी, सब घाटा ही पड़ रहा है भाई। तो किसान के साथ इतनी मंदी क्यों होती है आखिर? क्यों लॉकडाउन की वजह से बाहर मंडियां मैं माल नहीं जा रहा है भाई, क्या करा बता भाई। सरकार ने हर चीज का रेट बढ़ाया तो किसान का रेट क्यों नहीं बढ़ता? ये देख लो जी आपके सामने हल तो रही, ये हालात हैं बैंगन के हालात आप देख लीजिए, बढ़ता खाने के शौकीन लोग जो हैं वो एक बार देख। चलिए इनसे बात करते हैं। 2 रुपए किलो टमाटर, 2 रुपए किलो वाला टमाटर 20 रुपए किलो मार्केट में बिक रहा है, जिम्मेदार का तो आप ये देखो ना क्या हाल हो गया जी। ये 50 रुपए के रेट में, 50 रुपए के रेट में भी 25 किलो टमाटर सेल नहीं हो रहा है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। 2 रुपए किलो शिमला मिर्च है जी, बाजार में जाकर 20 रुपए किलो बिक रही है, 30 रुपए किलो, आगे जाके भी ये इतना जिम्मेदारों का बुरा हाल हो गया, अभी किसी भाव में भी सब्जी सेल नहीं है, मंडी में आकर के देखे एक बार प्रसाद। जिम्मेदार से तो 1-2 रुपए भी नहीं खरीद रहा और बाजार में 20-25 रुपए किलो बिक रहा है भाई जी, 20 रुपए किलो बिक रहा है आगे जाके रिटेल में, इसमें कहाँ दोष कहाँ है, कमी कहाँ आती है? ये तो देखो जी कहीं ना कहीं सिस्टम में आगे मंडियाँ बंद है, सब मंडियों में नहीं माल जा रहा है प्रॉपर, जिम्मेदार नहीं माल लेके जा रहे हैं अपना। आप देखिए 2 रुपए किलो टमाटर यहाँ बिक रहा है, 50 रुपए में हम सेल करने को तैयार है पर ग्राहक नहीं है लेने वाला। तो ये हालात है सढ़ोरा की सब्जी मंडी से आपको दिखाने की कोशिश की लगातार। चलिए लास्ट में चलते हैं गोभी के पास, गोभी जो है इस वक्त मार्केट में है और थोड़ा सा अभी सब्जी में फ़र्क आया है, तो हमारे साथ गोभी के विक्रेता है, इधर से आ जाइए हरदेव जी। तो सर गोभी के जो पैकेट है कितने रुपये किलो है? सर अभी तो देखो 37 पन्नी लेके आया था, एक भी नहीं बिकी, लोग कहते हैं कि बाहर की मंडी में बिक नहीं रही, लेकिन मार्केट में लेने जाओ यही 25 रुपए किलो देते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 रुपए पन्नी भी नहीं कोई ले रहा, और 25-27 किलो की एवरेज हर पन्नी में है इसमें। तो कितने समय से आप लेकर आए हैं? सर सुबह से पूरे दिन मेहनत करते हैं, लेबर के पैसे भी पल्ले से देने पड़ रहे हैं, और देख लो 1 बजे से पूरे यानी कि रेडे पे लेके आया, यहीं पे खड़ा हूँ, अब तक कोई ग्राहक नहीं। ग्राहक ही नहीं, कारण क्या है, क्या कारण है इसके पीछे, लॉजिक क्या है? लॉकडाउन, सब ये कहते हैं कि बाहर की मंडी ये है वो है, क्या कह सकते हैं जी। तो किसान तो फिर इस हिसाब से भूखा मर जाएगा, मैं कह रहा हूँ किसान के नाम का तो मरना होगा जी। तो सरकार को क्या अपील करना चाहेंगे, जो लोग इसी से जुड़े हुए हैं सब्जी के जुड़े हुए हैं, उनका रेट नहीं मिल रहा, सब्जी नहीं बिक रही? मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को कोई ऐसा रूल फॉलो करना चाहिए कि जिससे सप्लाई अच्छी हो सके। हालांकि देखो शहरों में चले जाओ, दिल्ली या NCR में कहीं पे भी चले जाओ, 45 रुपए किलो दे रहे हैं गोभी, और यहाँ तो 1-2 रुपए भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। और ऊपर से देखो यहाँ पे खड़ा कर दिया SDM, तो ऑर्डर मार के चला गया कि वहाँ पे खड़े हो जाओ, लेकिन ये तो आज बादल है, धूप में खड़े हो के बताओ क्या करें, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो ये आप हालात के, इधर के हालात देखना, ये देखना कहीं आने जाने की रास्ता है सर, कौन आएगा यहाँ खरीद, कोई भी नहीं है। ये थोक वाली है कि वैसी मंडी बनाई है? ये सर बस इनके जो हमारे अड़तियाँ उनके थ्रू बनाई गई है। यहाँ पे परचून में दे सकते हो आप? नहीं दे सकते, मना कर रखे उन्होंने, ऑर्डर मना कर रखा है सर हमारे, तो गाड़ी भी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। आपके सामने आप वीडियो बना सकते हो सर, ये देखना गड्ढे, ये गड़ा सड़ा सामान, ये देखो आपके पीछे, बिल्कुल बिल्कुल ये देखो, ये हालात है। तो आप देख सकते हैं सढ़ोरा सब्जी मंडी, पहला जो पार्ट आपको दिखाया उसमें तो कुछ और था, अब दूसरा पार्ट जो है उसमें कुछ और है। अब बात करते हैं भिंडी की, अब भिंडी वाला भाई कौन है इसका, भिंडी वाला कौन है? बिक गई है सारी भिंडी, बिक गई। ये अब आती है मिर्ची की बारी, मिर्ची कौन है इसका मालिक, कौन है?
बता दो भाई तेजी आई बंदा आया। मिर्च, मिर्च की बात है, मिर्च कैसे क्या रेट चल रहा है मिर्च मंडी का? पता क्या जी, पहले तो था 15 रुपए और आज 10 रुपए भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है इसको। तो ये कारण क्या, सभी सब्जी के ऊपर मार क्यों पड़ रही है इस तरीके से? पता क्या जी, बोल रहे हैं कि बाहर नहीं जा रहा माल। अच्छा, हाँ जी, इसलिए लॉकडाउन है, बाहर लेके नहीं जा रहा कोई। क्या कारण है बाहर क्यों नहीं है? लॉकडाउन की वजह से ही है जी। तो पहले कहाँ जाती थी सब्जी आपकी? ये पहले मिर्ची यहाँ से दिल्ली जाती थी जी। अच्छा, तो दिल्ली की मंडियाँ बंद है अब, इसलिए बोल रहे हैं कि मंडियाँ बंद है और बिक नहीं रही। आज 10 रुपए लेने के लिए कोई तैयार नहीं है इनको। तो ये हालात हो चुके हैं। लॉकडाउन का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है सब्जी विक्रेताओं पे पड़ रहा है, फल विक्रेताओं पे पड़ रहा है। लगातार आप देख सकते हैं, ये अभी छोटे बैंगन आ चुके हैं। अब आप वीडियो को देखते रहिए और जरूर इसको शेयर जरूर करें। ये है छोटे दूसरे बैंगन, इसका मालिक कौन है भाई, कोई है? ये आप देख सकते हैं, ये भाई है शायद। भाई ये बैंगन आपके हैं क्या? हाँ जी, अपने बैंगन। ये क्या पन्नी कितने किलो की है? 5 रुपए किलो बिक रही है, 30 किलो है। 30 किलो की है? हाँ जी। तो मतलब कि लॉकडाउन की वजह से हर सब्जी पे प्रभाव पड़ा, सब कुछ जी बिल्कुल बंद हो गया जी। तो आप लोगों के लिए लॉकडाउन बहुत महंगा पड़ रहा है? बहुत महंगा जी, ये तो घर से लगाने पड़ रहे पैसे, इस पे तो बिक रहे नहीं है ये बिल्कुल। बाहर से व्यापारी आ नहीं रहे लेने यहाँ पे। अंबार के अंबार लगे हैं सब्जियों के, तो क्या लगता है? कुछ नहीं बिका है, सब पड़ा है अभी। हाँ, शिमला मिर्च की पन्नी 40 रुपए की है, 40 रुपए की, 2 रुपए किलो शिमला मिर्च। हाँ जी, और बाजार में मिलेगी आपको 20-25 रुपए किलो ये जी। तो लगातार आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में आपको सढ़ोरा सब्जी मंडी दिखाई, किस तरीके से जो हालात हैं लोगों के वो आपको दिखाए, और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि प्रशासन तक पहुंचे और किसान, क्योंकि किसान जो है देश की एक रीढ़ की हड्डी होता है, किसान को अन्नदाता माना जाता है, क्योंकि जो भी खाद्य की सामग्री है, फल सब्जियाँ गेहूँ अनाज सब जो है किसान उत्पादन करता है। अगर इस दौरान किसान की अगर कमर टूटेगी तो पूरे देश की कमर टूटने की संभावना है। इसलिए किसानों के बारे में सोचा जाए, सरकार कुछ ऐसी नीति लाए कि सब्जी फल जो भी किसान का उत्पादन है वो मंडियों में आसानी से बिक सके और इस महामारी के अंदर जो है किसान की मदद हो सके। HR71 के लिए सरनजीत सिंह सढ़ोरा।